का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मजदूर यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस एरिया में जाएंगे नहीं, पानी देंगे नहीं, चाहे प्यासा रहे चाहे कुछ भी रहे, उनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये घटना हो रहा है ना, अभी तो महापौर साहब आए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मेरा डिसाइड कर दीजिए, अगला बार भी इसी तरह वार्ड नंबर 22 में पीटा गया। और इनको जिस तरह से कपड़ा फाड़े हैं, यहाँ चोट लगा है गर्दन में, ये गलत है। ये हिंदपीढ़ी का पहला घटना नहीं है, ये तीसरी घटना है रांची नगर निगम के साथ में। अभी सब इस ट्रैक में और बकरी बाजार में सब गाड़ी खड़ी है, सभी गाड़ी खड़ी है, जितने पानी की गाड़ियां हैं, टोटल पानी गाड़ी, कूड़ा गाड़ी, जो भी गाड़ी, सारी गाड़ी खड़ी है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। कुछ दिन पूर्व आपको हमने एक खबर दिखाया था कि रांची नगर निगम के कर्मचारी अपने दायित्व का कैसे निर्वाह करते दिखे, चाहे उनके साथ कितनी भी परेशानी क्यों न हो, अपनी मजबूरियों को अपने आप में समेटे हुए अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिखे। लेकिन उन्ही कर्मचारियों के साथ यदि दुर्व्यवहार होता है तो यह कहाँ तक उचित है, आपको हम बताते चले। रांची की मेयर आशा लकड़ा नगर निगम के चालक कौशल के साथ मारपीट और गाली गलौज के बाद तल्ख दिखी। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बता दे, गत देर रात हिमपेढ़ी मोहल्ले में नगर निगम का पानी टैंकर गया था, इसी बीच पानी भरने को लेकर बबलू अंसारी ने चालक के साथ मारपीट किया। यही नहीं, और भी कुछ उनके साथ हुआ है, हम उन्हीं से सुनेंगे। इस संबंध में निगम कर्मी के आवेदन पर बबलू अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले पर मेयर आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा और चालक कौशल ने क्या कहा, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, इस घटना को लेकर निगम के कर्मचारियों में एक आक्रोश है। आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। और नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन अभी इस वक्त हम मौजूद हैं रांची नगर निगम के, वे सब डंपिंग यार्ड बोलेंगे या जो भी वर्कर हैं या जो भी गाड़ियां यहां पे लगी रहती हैं, वहां पे जहां से सभी वर्कर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या पानी जाता है, वहां पे हम इस वक्त स्टोर में एक तरह से हम इनके मौजूद हैं। रांची की मेयर भी आई हुई है यहां पे, मामला क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन रात के 10 बजे पानी का टैंकर जाता है कि मोहल्ले वाले प्यासे होंगे, हम उन्हें पानी दे आए, ताज़ा पानी मिलेगा, रात में खाने के समय वो पानी पियेंगे। लेकिन यह क्या परिस्थिति है कि आप जो पानी का टैंकर लेके जा रहे ड्राइवर, उसके साथ आप मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमपीढ़ी का, ये मामला हिमपीढ़ी का है और एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। जैसा कि लोगों ने कहा, यहाँ पे जो वर्कर हैं बोला कि और तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन हिमपीढ़ी का यह मामला है। काफ़ी आक्रोश में दिख रही है रांची की मेयर, इस वक्त उस लेबर उस ड्राइवर से मिलने के लिए आई हुई हैं। गले पे नाखून का निशान है, कपड़ा ड्राइवर का जो चालक है टैंकर का, उसका कपड़ा फाड़ दिया गया है, बुरी तरह से अभद्रता उसके साथ की गई है। मामला पहुंच चुका है अब थाने, थाना जाने की तैयारी कर रहे हैं। रांची की मेयर, अभी रांची के SP से बात की है कि अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, बहुत हो गया, और नहीं तो लोग प्यासे मरे, यदि यही स्थिति रहेगी तो बार बार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ हुआ उस चालक के साथ, क्या कुछ बातें हो रही है, हम आइए देखते हैं। और इस पर रांची की मेयर ने क्या कुछ कहा हम सुनते हैं। रात में ये हिंदपीढ़ी गया था पानी बांटने के लिए, तो इनको बहुत पिटाई भी कर दिया है और बहुत गाली गलौज किया है, तो वही ही वहाँ की कोई पब्लिक है, क्या नाम, कोई नाम, कोई बबलू अंसारी है, हाँ, तो यही अभी शिकायत करने जाएंगे हमारा अधिकारी लोग, हमारा स्टोर कीपर है, हाँ, हिंदपीढ़ी थाना, तो थाना प्रभारी का तो नंबर मेरे पास नहीं है, तो एक बार आप बात कर दीजिए। हाँ, आप बोल दीजिए, ओंकार पांडे हैं साथ में और दयानंद जी हैं, जाएंगे उनके नाम पर FIR करेंगे, एक बार कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी घटना है, हाँ, तीसरी घटना है, तो हमारा सफाई कर्मी जाएगा कहाँ, तो एक बार देख कर कार्रवाई एकदम कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, हमारा सफाई कर्मी फिर काम कैसे करेंगे निगम, ठीक है ना। कौशल है और हमारा ड्राइवर है,
और ये ड्राइवर हिंद पीढ़ी में पानी देने के लिए गए थे और 10 बजे रात में प्यासा को अगर पानी पहुंचा रहे हैं तो उनको इनका हालत समझना चाहिए कि रात 10 बजे जग करके जनता की सेवा कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा ड्राइवर से दादागिरी करके क्या मिलेगा। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, भाई लाओ तुम गाड़ी लेके आए हो पाइप और हम सबको पानी बांटते हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, ये गलत तरीका है। और इनको जिस तरह से कपड़ा फाड़े हैं, यहाँ चोट लगा है गर्दन में, ये गलत है। ये हिंदपीढ़ी का पहला घटना नहीं है, ये तीसरी घटना है रांची नगर निगम के साथ में। कोरोना काल में भी हुआ था और उस समय भी हमारा ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, उस समय सबके सामने आया है और अभी भी है। तो ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है। तो हमने अभी बातचीत किए हैं, सभी सफाईकर्मी आज स्ट्राइक में है, मेरा ड्राइवर है, मैं अपने ड्राइवरों के साथ है। कभी भी किसी तरह का कोई घटनाक्रम होगा हम इनके साथ खड़े होंगे। अभी हमने एसपी को बात किया है और बोला है कि इनका एफआईआर होगा और जो भी व्यक्ति इन पर हाथ उठाए उन पर कार्रवाई हो। अभी मैम क्या ये लोग पानी देने जाएंगे कि स्ट्राइक में रहेंगे? अभी जाएंगे सबसे पहले एफआईआर करने के लिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर हो जाए और सब लोग काम में जाएंगे, एफआईआर करने के लिए जाएंगे। हमारा स्टोर कीपर है, हमारा स्वास्थ्य पदाधिकारी भी आ गई है, ओंकार जी और दयानंद जी, सभी लोग जाएंगे। एसपी से हमने बात कर दिया है, एफआईआर करके उनको कार्रवाई करने बोले हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, ये पहली बार नहीं है। मानो पहले ऐसे बढ़ेगा तो हमारा जनता उस वार्ड में जाएंगे नहीं, उस एरिया में जाएंगे नहीं, पानी देंगे नहीं। चाहे प्यासा रहे चाहे कुछ भी रहे, उनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलेगी। गए पानी बांट रहे थे और छोटा सा वो डिब्बा लेकर आए, हम बोले भैया इसमें कैसे डाले, इसमें नहीं जाएगा। वो उतने में वो हमको धक्का दे के पाइप छोड़ो, पाइप छोड़ दिए। ऊपर सुन के बाद बोलता है कि तुम हमको उंगली दिखाएगा, ये पूरा एकदम गाली गलौज देने लगा और मारने लगा पूरा। हाँ, वहाँ थे 100 आदमी थे लेकिन एक ही आदमी मार रहे थे, कोई नहीं बचाया। तो कोई बचाने के लिए नहीं है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बचे। जब वो मारपीट कर रहे थे तो आपने क्या माफी मांगा या कैसे छोड़े फिर आप? कुछ नहीं, मारते बोल दिए कि ठीक है हम पानी लेके जा रहे वापस, माफी। फिर वहां से भागे आप? हम निकल गए वहां से, किस तरह जान बचा के भागे जी। किस वक्त की घटना हुई थी? 10 बज के कुछ मिनट में। हाँ, रात में। रात में आप गए थे पानी देने, इसके बावजूद भी ये जी जी ये घटना हो रहा है ना। अभी तो महापौर साहब आए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मेरा डिसाइड कर दीजिए। अगला बार भी इसी तरह वार्ड नंबर 22 में पीटा गया, उस बार भी समझौता हो करके कुछ कोई काम नहीं हुआ। इस बार हम महापौर साहब आए हैं, इनको हम बोले हैं कि सर मेरा समाधान कर दीजिए, हम लोग काम में जाएंगे, लेकिन जब तक समाधान आप नहीं कर दीजिएगा हम कैसे काम करेंगे? सुरक्षा चाहिए ना। अब आपका सेवा कर रहे हैं, जो मर्जी आया, बार बार तीसरा बार पिटाया वार्ड नंबर 22 में, इसलिए आज हम लोग काम बंद किए हैं। अब आए हैं मेयर साहब, जैसा कहेंगे वैसा काम कर। तो बहरहाल अभी आपने सुना कि क्या कुछ हुआ और किसने क्या कहा, वहीं मेयर ने क्या कुछ कहा। तो अभी ये मामला थाना पहुंच चुका है, हिमपीढ़ी थाना पहुंच चुका है और रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है। थाने की तरफ से भी कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कर्मचारी अब अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी चालकों का कहना है कि हम लोग हिमपीढ़ी में नहीं जाएंगे। यह मामला कहां तक तूल लेता है यह भी देखने वाली बात होगी। हाँ, निकल रहे हैं वार्ड में पानी देने। नहीं, उस वार्ड में आज नहीं जाना है, मतलब उसको छोड़ के, उसको उस वार्ड को छोड़ के बाकी हर वार्ड में जाएगा पानी जी। हाँ, तो यहाँ सफाई को लेकर के रांची की मेयर आशा लकड़ा निकली भ्रमण में और सफाई को लेकर अपने कर्मचारियों को दिया सख्त निर्देश। बरसात से पहले सभी नालियां साफ हो जानी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग नाखुश भी दिखे। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि ये नगर निगम की नहीं है, ये जो भी सड़कों पे टेंडर लेते हैं कार्य करने के लिए उनकी गलती है कि सड़कों में काम करते हैं और गंदगी छोड़ देते हैं। तो उन ठेकेदारों पे भी जिम्मेवारी बनती है कि यदि आप कहीं पे कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से करें। बहरहाल इस पर लोगों ने क्या कुछ कहा और वहीं मेयर आशा लकड़ा ने क्या कुछ कहा सुनते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेयर साहिबा घूम रही हैं और यहाँ आपके क्षेत्र में सफाई हो रहा है, कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। यह मैडम आई हुई है इसीलिए सब आ रहे हैं दल बांध के कि यहाँ सफाई होना चाहिए। आज होता नहीं है सफाई। 2 महीना पहले देखिए, अब देखिए ये कैमरा दिखाइए, इधर कोड़ के गया नाले सप्लाई वाला पानी भी छाने के लिए, वैसे ही पड़ा हुआ है पाइप, पत्थर वैसे ही पड़ा हुआ है। इसको ऐसा होना चाहिए, जब काम हो गया पाइप बिछाने का उसको तुरंत हटा लेना चाहिए था। हम लोग कितना दिक्कत हो रहा है देखिए, ये सिर्फ फोटो खिंचाने वाला काम होता है, काम कुछ नहीं। टैक्स बढ़ाया है, कुछ काम नहीं होता है। पब्लिक भी दोषी है, हम लोग जागरूक नहीं है, मोहल्ले का आदमी जागरूक नहीं है। उनका तो दर्शन ही आज नहीं हुआ, कौन है भाई वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर को उसका दर्शन ही नहीं हुआ, मोहल्ले में आता ही नहीं है। पता
क्या देवी हमको नहीं पता है। कौन सा एरिया है ये? 18 नंबर वार्ड है। अभिजीत कुमार। मैम मैंने देखा कि आप किसी कुछ क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकली हुई थी, नालियाँ वगैरह जाम है, लेकिन रोड में जो बोल्डर पड़ा हुआ है उसको लेकर के मोहल्ले वालों में काफ़ी आक्रोश है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जाहिर सी बात है लोग को गुस्सा आएगा, जिस तरह से पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड को खोड़ा गया और नाली बर्बाद हो गई है तो उनको क्षतिपूर्ति कैसे होगा। इसके लिए हमने अपने विभाग में नगर निगम के जो अधिकारी हैं वाटर बोर्ड के उनको हमने सूचना कर दिए हैं कि आज के आज उस बोल्डर को उठा ले और जहाँ रिस्टोर गलत किया है उसको उखाड़ करके पुनः रिस्टोर कर दे और जहाँ पर ही पाइप को तोड़ दिया है उसको भी मरामती करे ताकि जनता को दिक्कत ना हो और वहाँ जल्द से जल्द जो बोल्डर तोड़ा हुआ है उसको उठा करके रिस्टोर भी बढ़िया करेगा। लेकिन लोगों का गुस्सा है कि ये गलती नगर निगम का है। उन लोग का आइडिया नहीं है, काम सभी जगह करते हैं, बिजली नहीं आती है तो नगर निगम पर लोग गुस्सा करता है, पानी नहीं आती है पीने का तो लोग नगर निगम को गुस्सा करता है, तो सबका विभाग बंटा हुआ है, बिजली विभाग देती है, पानी पीएचडी विभाग देता है, उसी तरह से जुड़को है जो काम कर रही है पाइपलाइन बिछाने का तो उनका काम है उनको रिस्टोर करना, अभी बरसात से तो उसका कम्युनिकेशन हम लोग कर दे रहे हैं और बरसात से पहले हमने शुरू कर देते हैं बड़ा छोटा सभी नालियों का सफाई का, तो आज जो बड़ा छोटा नालियाँ हैं सभी नालियों का साफ सफाई के लिए हमारा जितना भी कर्मचारी सुपरवाइजर है सब लगे हुए हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।